डॉक्टर हैं कि इनका ख्याल रखा जाए। नहीं देखिए सर, इसका मकान है, इसके बच्चे थे वहाँ, इनका एक और है सर, मैं वही बता रहा हूँ। ये दो तीन मकान हैं पीछे, दो दो मकान खाली नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये खाली करेंगे ना पूरा पहाड़ नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल सर, बारिश रुकने दीजिए, उसके बाद ही बना रोड बंद करके, वरना घर का नीचे आने का डर है, नीचे नुकसान हो जाएगा। तो ऑलरेडी डिपकॉम साहब को भी कहा है, उनके जो जीएम साहब है उनको भी कहा है कि इसमें जल्द से जल्द इसको करें। तो उन्होंने कहा है कि इसलिए क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपका नाला और बंड का काम वो बना रहे हैं, इसलिए मैंने अभी इनको कहा है कि इमीडिएटली इसको क्लियर करें। पर जो आपकी बात है बिल्कुल सही है, नाला और बंड की कमी जब रोड उन्होंने बनाई। आप जैसे आप लोगों को पता है कि पूरे हमारे जो कश्मीर वैली में, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में, पिछले कई दिनों से हाई एरियाज में बर्फबारी हो रही है और जो निचले इलाकों पर बारिश हो रही है, उसी कारण आप देख रहे हैं कई जगह पर फ्लडिंग भी आ रखी है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड के कारण रोड भी बंद हो गया है, तो उसके लिए हम लोग आज एडवाइजरी भी निकाली हुई है सुबह के जितने भी पहाड़ी इलाकों में। हमने SDMs को भी कह रखा है, ADC सपोर्ट को भी कह रखा है कि जहाँ जहाँ स्कूल्स अगर प्रभावित है तो वहाँ पे एक तो पहली बात स्कूल्स बंद करने का एडवाइजरी ऑलरेडी इशू कर दिया गया है, सो डैट छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत ना हो, कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट ना हो। साथ ही साथ सारे हमारे जितने भी तहसीलदार हैं उन सबको कहा गया है कि एक बार राउंड करके जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत है, लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करना है, साथ ही साथ अगर किसी कहीं पे कोई राशन का इशू तो राशन पहुँचाने के लिए ऑलरेडी उसके लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी एग्जेन साहिबान हैं RNP के हो या PMJSY को, उन सबको कहा गया कि इमीडिएटली जहाँ पे रोड पॉसिबल है रेस्टोरेशन करना है वहाँ पे रेस्टोरेशन करें। जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में भी, अगर अभी भी हम इसको क्लियर करते हैं तो ऊपर से भी आने का खतरा है, तो इस रोड को भी हम लोगों ने अभी बंद करने का ऑर्डर इशू करने वाले हैं, सो दैट जब वेदर ठीक हो जाए उसके बाद इसकी रेस्टोरेशन शुरू करेंगे।